दहशत पे अगली खबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खबर राजनीति से जुड़ी है, शिक्षा से जुड़ी है और देश के फ्यूचर भविष्य से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 8वीं तक के 125 स्कूलों को बंद कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रही है। क्या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार क्लासरूम को कम्युनल बनाने पर तुल गई है? दरअसल सूबे के शिक्षा विभाग ने मार्च 2017 में इन स्कूलों की मान्यता की जांच शुरू की। ये सभी 125 स्कूल तीन ट्रस्टों शारदा शिशु तीर्थ, सरस्वती शिशु मंदिर और विवेकानंद विद्या विकास परिषद द्वारा चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी स्कूलों के पास NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। ये राज्य के निर्धारित पाठ्यक्रम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, लिहाजा इन्हें बंद कर दिया जाए। So we have stopped 125 and others we are scrutinized those schools. Madrasa is not under my jurisdiction. I will not allow anything based on religious doctrine. Jidhar RSS school chale gaya wahan jaiye, yahan nahi chale. स्कूलों ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जाने का फैसला लिया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए स्कूलों पर ताला लगाया है। ममता बनर्जी का ये फरमान तुगलकी फरमान है, तानाशाही फरमान है, लोकतंत्र के विरुद्ध फरमान है। ये वोट की लालच में देश को राज्य को गिरवी रखने वाले लोग हैं। देश हित में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से तीन सवाल बनते हैं। पहला सवाल, जिन स्कूलों में ताला लगा दिया गया वहां पढ़ रहे बच्चों के बारे में सरकार ने क्या सोचा? दूसरा सवाल, इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी क्या ममता सरकार की नहीं है? और तीसरा सवाल, खुद कोर्ट ममता सरकार पर अल्पसंख्यकों को खुश करने वाले फैसले लेने का आरोप लगा चुका है, तो क्या ममता बनर्जी शिक्षा में भी सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है?